काम तक ले जाने के लिए, क्योंकि इसके पहले भोजपुरी सिनेमा को एक तड़केला भड़केला गाने के नाम पे जाना जाता था या फिर कोई एक स्टार जो अपने दम पे चलाता था मूवी। पहली बार ऐसा है कि जिसमें सब्जेक्ट में भी दम है, तो आप पहली बात ये बताइए कि क्या इससे लगता है भोजपुरी सिनेमा को एक अलग पहचान मिलेगी, और क्या दूसरा बिहार की इमेज जो इंडिया में है वो सुधरेगी इससे? देखिए मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, दिल्ली आप चले जाइए, बॉम्बे में जो पासपोर्ट कमिश्नर हो चाहे या सब बिहार के हैं, और मंत्रालय में यहाँ पे 62 में 60% मेंबर्स इसमें ना बिहार यूपी से है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि वो लोग कभी भोजपुरी फिल्में नहीं देखते हैं, और यहाँ पे जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने बोला थैंक यू सो मच कि तुमने ये फिल्म बनाई, क्योंकि भाषा के बेसिस पे आप अच्छी और ख़राब फिल्में नहीं बना सकते, खराब फिल्में खराब होती हैं, अच्छी अच्छी होती हैं, चाहे हिंदी कर लो, तमिल कर लो, भोजपुरी कर लो। इसलिए हमने कोशिश की एक अच्छी फिल्म बनाई जाए, और ये रिस्क हमने उठाया है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी कि हमने ये रिस्क उठाया, और हमें इन लोग सब लोगों ने मौका दिया, क्रांति, स्वानंद, आरती, दीपक, टीम, अजय, सब ने मौका दिया कि हम ये रिस्क उठा सकें। And I know, I think I'm very, very happy and proud to do it. कितनी मुश्किलात आए इसको गाने में? अभी भी मुश्किलें हैं, आपको भी पता है, आप संडे को आए हैं, आप लोग कैसे आए होंगे आप लोगों को भी पता है, तो मुश्किल तो है ही है, लेकिन फिर मुश्किल जो एक बार घबरा गया मुश्किल से, फिर क्या करना, क्या फ़ायदा क्या है। सो आई थिंक मुश्किलें तो बहुत है, अभी बहुत मुश्किलें, 18 नवंबर को रिलीज़ है, उस वक्त तक हर दिन सब लोग जान ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, 18 के बाद बात करेंगे।